के अंदर तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे तमाम पार्टीज ही आज अपोजिशन है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग आपके साथ थे, जीओआई के लोग आपके साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ थी, तो आप तो आज खुश होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद साहब, बात यह है कि जो प्रॉब्ली अगर ये गवर्नमेंट की बदनीयती ना होती तो ये लोग आज गवर्नमेंट के साथ ही होते। अब आप सोचें, आप ऐसे बिल ला रहे हैं जिसके इम्प्लीकेशन हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर और जो जो फ्यूचर के जो पॉलिटिकल लैंडस्केप होगा उस पर एक इंतहा का उसका एक इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और आप अपने एलाइज के साथ बात भी नहीं करते, इंट्रोड्यूस भी नहीं करते हो उनके साथ। ये वो बिल है जिसके बारे में आपका ख्याल था कि ये खान साहब के खिलाफ है, ये पर्सन स्पेसिफिक है। एग्जैक्टली और जिसको आज उन्हीं पार्टियों जो आपके खिलाफ है उन्होंने आपको सपोर्ट किया। देखिए मैं इस बात की कदर करता हूं, उस वक्त भी ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। अगर आप उस दिन की भी बात करें जिस दिन मैंने कहा था, उस दिन भी रजा रबानी साहब ने सपोर्ट किया था, कामरान मुर्तजा साहब ने सपोर्ट किया था, ताज साहब ने सबने सपोर्ट किया था। अच्छा, बात यह हो जाती है दिस इज नॉट दी ओनली वन। इससे पहले जो इलेक्शन एक्ट का जो करते वो भी इन लोगों ने उसमें 1-230 को बीच में वो पहले सबको दिखा के एंड में 230 डाल के निकालने का कोशिश कर रहा है। आपका क्या ख्याल है? क्या देखिए मुझे नहीं पता, मुझे गवर्नमेंट के नोटिस में है तो फिर गवर्नमेंट के लोग वोट क्यों नहीं दे रहे? मुझे एक बात बताए, मेरे सामने बिल, अच्छा मैं एक और बात बता देता हूँ। ये जो वो था, ये कौन सा था, ये एक्सट्रीमिज्म वाला जो वो बिल था, ठीक है, उसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी वालों ने बिल वो किया था ऑन बिहाफ ऑफ दैट, उनके अपने लोगों ने अपने मिनिस्टर को बुला पा रखा कि आपने गवर्नमेंट के बेस पे ये बिल प्लेस क्यों किया है उसमें। बात ये हो जाती है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। मुझे इतना पता है कि ये गवर्नमेंट बिल ले डाउन कर रही है इन सेनेट, तो जिस मिनिस्टर ने किया है उस मिनिस्टर की जिम्मेवारी है। तो अजय तारर साहब की जिम्मेदारी है, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है या उस मिनिस्टर की जो इससे जो उसका ताल्लुक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जिस तरीके से ये कर रहे हैं, तो ये अगर ना करते तो मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होना था पॉलिटिक्स का। हो क्या रहा है पाकिस्तान में, और आज से नहीं हमेशा से हो रहा है कि हम पॉलिटिशियन एक दूसरे की बुग्ज में ऐसे बिल ले आते हैं, ऐसे बिल पास कर देते हैं। मैं सब की बात करूं, मैं पिछले 30-40 सालों की बात कर रहा हूं कि हम अपने पहले छोटी छोटी उंगलियां काटनी शुरू कर देते, अब हम हाथ पैर काट रहे हैं। पहले हम लत से उंगलियां काटते थे, फिर हम रिस्त तक आ गए, अब हम पूरा बाजू काटने शुरू कर दिया, अब टांगे भी काटने शुरू कर दिए। तो अगर पॉलिटिशियंस ने यह करना शुरू कर दिया तो फिर इस मुल्क के अंदर कम से कम आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दाद देनी चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दाद देनी चाहिए, जेयूआई को आपको दाद देनी चाहिए जिनके खिलाफ हमेशा आप गुफ्तगू करते थे। आज तो देखिए उन्होंने, सर मैं एक बात बताऊं, जहां तक मुझे है मैं इन लोगों को दाद देता हूं, क्योंकि अगर मेरी नजर में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके मुखालफत करते, अगर जेयूआई इसकी मुखालफत करती, अगर पीएमएलएन के अपने लोग, तो ये नेशनल असेंबली से कभी पास ना होता। बिल्कुल सही। सो मेरा ये ख्याल है कि इसमें पार्टी पॉलिसीज का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें सेनेट के अंदर जो एक सेंस प्रिवेल कर गया है, जो इंडिविजुअल सेंस था कि यार ये गलत है। अच्छा, उसकी एक वजह भी है, उसकी वजह ये है कि इस वक्त नेशनल असेंबली में अगर आप देखें तो ऑपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं, वो इनके ही बगल बच्चे हैं। ठीक है, सो उस लिहाज से देयर वाज नो ऑपोजिशन। अच्छा, अब मुझे ये भी नहीं पता कि नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ भी कि नहीं हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ